हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने बालों की ग्रोथ को कैसे लंबी कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही स्पीड से आप अपने बालों को ग्रोथ कैसे दे सकती हैं, तो वो मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियो होगी ना, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो ये रेमेडी आप ट्राई कर सकते हो, रेमेडी बहुत ही इजी होने वाली है और आपको यूज़फुल भी लगेंगी, क्योंकि सही में बहुत ही अच्छे से काम करती है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके बालों में जो डैंड्रफ होता है उनको भी हटा देगी। तो फ्रेंड्स, रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस रेमेडी में आज यूज़ करने वाली हूँ लौंग। फ्रेंड्स, लौंग से हमारे बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाती हैं, साथ ही में इस एक रेमेडी से हमारे फ़ायदे अनेक होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे बालों में अगर डैंड्रफ है तो वो बिल्कुल से क्लीन हो जाएगा, और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो वो भी एकदम से रुक जाएंगे, यानी रुके हुए बालों में भी जान सी आ जाएगी फ्रेंड्स इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें लेना है लौंग। तो नॉर्मली हमारे जो घर में लौंग होते हैं वहीं का हम आज इस रेमेडी के अंदर यूज़ करेंगे, और इस लौंग का यूज़ हम हमारे बालों के अलावा हमारे दांतों के लिए, हमारे मुँह में जो दुर्गंध आती है उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनके मुँह में बदबू आती है तो वो अगर ये एक लौंग अपने मुंह में रखेंगे तो मुंह की दुर्गंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दांतों में कीड़े लगे हो, दर्द हो रहा है तो वहाँ पर भी हम इस लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी के लिए हमें लेना है एक बर्तन के अंदर पानी, और पानी के अंदर हम इसमें लौंग डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम आज हमारे बालों के लिए एक ऐसा सीरम बना रहे हैं जिससे हमारे बालों की जितने भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएगी और हमारे बाल बहुत ही स्पीड से, ग्रोथ से बढ़ने लगेंगे। तो हमें यहाँ कुछ लौंग इसके अंदर डाल देने हैं, और अब इसको हम गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, जिससे इसका कलर ही चेंज हो जाएगा और इसमें लौंग का जितना भी न्यूट्रिशन है इस पानी के अंदर आ जाएगा और पानी का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। और फ्रेंड्स, इस सीरम के अंदर हमने अभी जो लौंग डाले हैं उसको आप ड्राई करके वापस से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये लौंग ख़राब नहीं होने वाले। इससे हमारे दो काम हो जाएंगे, एक तो हमारी रेमेडी बन जाएगी और दूसरी हमें ये लौंग भी वापस से काम आ जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स धूप में हम 2 से 3 घंटा तक इसको ड्राई कर लेंगे तो वापस से ये अच्छे से हम इनका यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सीरम बनकर अब तैयार होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल पानी का कलर ही ट्रांसफ़र हो चुका है येलो कलर के अंदर, और अब इसको हमें एक कटोरी में छन लेना है। तो फ्रेंड्स, इस सीरम को आप हफ्ते में 2 बार यूज कर लोगे तो आपके बालों की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी, और जिनके बालों में हेयर फॉल है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और इनके साथ ही जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, कंघी करते वक्त हमारे बाल जैसे सुलझते नहीं हैं, उलझ जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल से ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से हमारे बाल सुलझने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, और आपको एक बोतल के अंदर इसको भरकर रख लेना है, और उसके बाद अपने बालों की जड़ों से लेके बालों की लंबाई तक इसका छिड़काव करना है। और आप इसको जैसे 2 से 3 घंटे दिन में लगा सकते हो, और नॉर्मली अगर आपको रात को लगाना है तो रात को रात भर इसको लगाकर सुबह आप शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर सकते हो, आपको 100% बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे बालों का हेयर फॉल हटाने के लिए हमें यहाँ पर आधा नींबू लिया है, ये आधा भी नहीं है, यानी आधे से हमने कुछ बूंदे इसमें डाली हैं, और साथ ही में हम नारियल तेल यूज़ कर रहे हैं। नारियल तेल फ्रेंड्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि बालों में तेल लगाना पसंद नहीं होता, तो उनको इस सीरम के साथ तेल लगाना भी मिल जाएगा, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही में फ्रेंड्स, हमें हमारे बालों पर तेल लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो जैसे हम शैम्पू करते हैं उसे एक दिन पहले हमें बालों पर अच्छे से तेल से मसाज करने चाहिए, पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं होता, ख़ास तौर पे गर्ल्स को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल चिपचिपे लगने लग जाते हैं और तेल अच्छा भी लगता नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट आइडिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें सीरम को अच्छे से मिलाकर हमारे बालों में यूज़ करना है, और आप इसको कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हो। तो आई होप कि रेमेडी आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।